हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में आपने मेरी उसमें आपने वीडियोस में देखी होंगी साउंड्स जो कि थी हमारी ए और ई हम कर चुके हैं। आज हमारा साउंड है आई, शॉर्ट वॉवल साउंड है ये। आई की साउंड होती है ई, आई की साउंड होती है ई। जैसे वही हमें गेम के थ्रू बच्चों को सिखाना है, जैसे आई है पीछे हमें कुछ भी आगे टी लगा दिया तो हमने बताया इट। अब उसके आगे बच्चे को कोई भी कॉन्सनेंट रखने के लिए कहिए, जैसे बच्चे ने मान लीजिए रखा एच तो क्या बन गया ह ई ट हिट। नेक्स्ट उसने रखा फ एफ फ ई ट फिट। B eat a bit, L eat a lit, K eat a kit, N eat a knit, S eat a sit, ह ईट हिट। इसी तरह से जब उसका इट साउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम उसको नेक्स्ट लास्ट वाला लेटर चेंज कर देंगे और फिर बोलेंगे अब आप इनकी आप साउंड को क्लियर करो। आई एन होता है इन, इससे आप थ्री लेटर्स वर्ड्स बनाओ। तो बच्चा फिर से वही कॉन्सनेंट उठाएगा, एच साउंड रीड करेगा ह ई न हिन, व ई न विन, ड ई न डिन, फ ई न फिन, ट इन टिन, ब इन बिन, ल इन लिन। इसी तरह से जब बच्चे का इन साउंड भी कंप्लीट हो जाए फिर हमको उसको एक्स की साउंड बतानी है। एक्स एक्स को मिक्स करके बन गया हमारा इक्स, लास्ट साउंड इज मिक्स करके बन गई इक्स। अब नेक्स्ट वॉवल साउंड हमारा जब आई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्स का साउंड आपने बताया, अब आप बताएंगे साथ में कॉन्सनेंट को। आप रखिए यहाँ पे और रीड करिए। तो प इक्स फिक्स, इक्स प इक्स फिक्स, ब इक्स बिक्स। एटलीस्ट वो कोई भी कॉन्सनेंट आगे वाला रखे, बस उसको उसको मिला के रीड करना आना चाहिए। तो ये सब बच्चा जब ही कर पाएगा जब हम डेली प्रैक्टिस कराएंगे। ज इक्स जिक्स, म इक्स मिक्स, ह इक्स हिक्स, प इक्स पिक्स, फ इक्स फिक्स। इस तरह से जब एक साउंड भी बच्चे का कंप्लीट हो जाए फिर हम उसको जी साउंड कराएंगे, इग। आई के साथ में जी मिला के बन गया हमारा इग। जैसे फिर वही कॉन्सोनेंट है उसको बनाना है, फ इग फिग, व ई ग विग, प ई ग पिग, ल ई ग लिग, ड ई ग डिग,
निग, ट इग टिग। जब उसका आई जी साउंड भी कंप्लीट हो जाए फिर हमें उसे पी को हमें साउंड बतानी है कि पी साउंड इज आई के साथ पी को हम ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगा हमारा इप। इप जब लास्ट साउंड उसको हम बता देंगे इप बच्चे को, तो फिर उसके बाद हम उसको वही फर्स्ट साउंड आप यहाँ पर पुट करिए तो डी, ड ई प डिप, प ई प पिप, न ई प निप, ट ई प टिप, ह ई प हिप, ल ई प लिप, ज ई प जिप, ग ई प गिप, स ई प सिप, जब बच्चे की आई पी की साउंड क्लियर हो जाए, इप की साउंड क्लियर हो जाए, फिर हम उसको लेटर देंगे एम, म, इम, आई एम इम। अब इसी तरह से हम फिर इसके लेटर्स बनाते हैं, थ्री लेटर वर्ड्स बनाते हैं, जैसे एच आई एम, ह ई म हिम, ज ई म जिम, ड ई म डिम, व ई म विम, स ई म सिम। देखिए सबसे इजी मेथड है रीडिंग सीखने का ये, स्टार्टिंग में बच्चों को इंजॉय में ही बच्चे इतनी जल्दी रीडिंग सीख लेते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बुक्स और कॉपीज ज़रूरी नहीं होती हैं हमें कुछ भी चीज़ बच्चों को सिखाने के लिए, हमारी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि हमें हमेशा खेल खेल में ही बच्चे को सिखाएं, जिससे कि उसको स्टडी बर्डन ना लगे, वो इंजॉय से अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करें। तो आप लोग मेरी इन वीडियोज़ में यही सब आप देख रहे होंगे, मेरी वीडियोस से आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी जो आगे की पहले वाली हमारी साउंड्स हो चुकी हैं वॉवल साउंड्स, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेज दूँगी, आप उसको पहले बच्चे को क्लियर कराइए और उसके बाद फिर नेक्स्ट साउंड करवाइए, जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना आए और ईजी रहें। तो अब ऐसे ही हम और भी साउंड्स ले सकते हैं, जैसे हमारी है अब इम का जब कंप्लीट हो जाए तो हम इड लेंगे, इड इड आई डी इड, तो जैसे जे आई डी, ज ई ड जिड, सिड स ई ड सिड, र ई ड रिड, फ ई ड फिड। इसी तरह से हमें सारी साउंड्स क्लियर करनी है। अब आगे है हमारा, इसी तरह से इग भी ले सकते हैं हम, आई जी इग, जैसे फिग बन गया, इम हो गया, इड हो गया, इब हो गया, आई बी इब, लास्ट वॉवल हम लास्ट कंसोनेंट जो है हमारा बी भी हो जाएगा, आई बी इब, तो फ इब फिब, हिब, लिब, रिब, र इब रिब। इसी तरह से हम सारे कॉन्सोनेंट और वॉवल के थ्रू बहुत सारे थ्री लेटर वर्ड्स बना सकते हैं, बच्चों को खेल खेल में जरूर सिखाइए। ओके बाय।
हैव अ नाइस डे, थैंक यू।